हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में, ये हमारा जो कि आप पैनल देख रहे हैं और ये हमारी टॉर्च है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये इसका एलईडी बल्ब है, ये कि बाहर दिख रही है आपको, ये दिखती है। ये हमारे पास दो टॉर्च हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, और ये दूसरी वाली का ये इसका एलईडी है। तो दोस्तों, इसमें जैसे कि आप वायर देख रहे हैं, ये वायर इसमें निकली हुई वायर है, यह है आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने ये इसका ये ऑन ऑफ स्विच है इसका, ये ख़राब हो गया था, तो उससे मैंने ये वायर निकाल दी है। आपस में दोनों को टच करने पर ये ऑन ऑफ का काम करेगा, तो हमारी एलईडी जल जाएगी। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं एक खास जानकारी दूंगा, जैसे कि अगर आपके पास ऐसा टॉर्च आता है कोई और ख़राब हो जाता है, तो इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होती है, तो इस वीडियो को देखकर आप कुछ हेल्प आपको मिल सकती है। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारे उन नए मैकेनिकल भाइयों के लिए है जो कि अभी इस लाइन में नए हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा पैनल है, तो मैं इसे पैनल को इसमें धूप में रखता हूँ। तो दोस्तों, मैंने इस सौर पैनल को धूप में रख दिया है। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये हमारा इसका ये पैनल का स्विच है, जो कि ये इसमें एलईडी में, ये इसमें स्विच आपको दिख रहा होगा, इसमें यह लगेगा और हमारी एलईडी चार्जिंग दिखाएगी। तो मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। यह देखिए दोस्तों, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, जैसे कि आप एलईडी देख रहे होंगे, ब्लिंकिंग कर रही है हमारी एलईडी, जो कि हमारी चार्जिंग शो कर रही है कि हमारी अभी बैटरी अभी फुल नहीं है, फुल होने पर ये हमारी रुक जाएगी। तो दोस्तों, अब एक खास बात इसमें मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे कि दोस्तों मैं इसका ऑन ऑफ स्विच, ये दो बार हमारी निकल रही है, तो मैं इनको आपस में टच करूंगा दोस्तों, ये चिमटी के द्वारा मैं टच कर रहा हूँ, तो आपको दिखाऊंगा कि हमारी एलईडी नहीं जलेगी। ऐसा करने पर हमारी एलईडी नहीं जलेगी, जैसा कि मैं इसको आपको लेटा कर दिखाता हूँ, क्योंकि हमारी वीडियो में दिख नहीं पा, मैंने टॉर्च को लेटा लिया जैसे कि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, मैं इन दोनों को टच करूँगा आपस में, तो हमारा ये एलईडी नहीं जलेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं नहीं जल रहा है। तो दोस्तों, ये एलईडी हमारा जब तक नहीं जलेगा, जैसे कि हमारा ये सॉकेट लगा हुआ है पैनल का, ये जब तक आप इसको निकालोगे नहीं, जब तक ये हमारी टॉर्च ऑन नहीं होगी। तो दोस्तों, मैं दिखाता हूँ इसको निकाल कर, और फिर उसके बाद दिखाता हूँ आपको कि हाँ, ये ऑन हो रही है या नहीं। तो दोस्तों, मैंने ये इसका वायर निकाल दिया है, जो कि पैनल का वायर था। अब दोस्तों, हम इसे आपस में टच करते हैं। ये देखिए दोस्तों, टच करने पर हमारी एलईडी जल गई है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको दिख नहीं पा रही होगी, ये देखिए दोस्तों जल रही है, क्योंकि हमारी ये कैमरे में सही से नहीं दिख रही है। ये देखिए दोस्तों, ये जल रही है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप कह रहे होंगे कि जल नहीं रही है, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये हमारी बंद हो चुकी है। और दोस्तों, मैं दोबारा इसको ऑन करता हूँ, ये देखिए हमारी दोस्तों ऑन हो गई। तो उसमें दोस्तों, एक खास बात ये है कि हमने ये टॉर्च ऑन कर दी है, अगर हम इसमें इस चार्ज को चार्जिंग पे लगाएंगे, तो ये ऑटोमेटिक हमारी बंद हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर चार्जिंग लगाता हूँ और ये हमारी बंद हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये लगाया है और देखिए ये दोस्तों ऑटोमेटिक बंद हो गई। बंद होने के बाद दोस्तों, मैं इसे टच करूंगा आपस में, तो ये जलेगी नहीं। तो दोस्तों, खास बात इसी में यही बताना चाह रहे थे हम, जैसे कि दोस्तों, कि हमारी टॉर्च इसको लगाने के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, और आप लगा कर ही इसे जलाने का प्रयास करेंगे तो ये टॉर्च जलेगी नहीं, क्योंकि जब तक हमारी ये बाहर नहीं निकलेगी, जब तक ये हमारी ऑन नहीं होगी। तो दोस्तों, आपके पास अगर कभी भी आती है टॉर्च और आप ऐसे ही चार्जिंग लगाकर इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं, और हमारे नए भाइयों को पता नहीं होता है कि ऐसे ये जलेगी नहीं, तो दोस्तों, ये वीडियो उन्हीं के लिए मैंने खास करके बनाया है। जैसे कि आप देखिए, ये जल गई है। और दोस्तों, और मैं दोबारा एक बार और दिखा देता हूँ, ये देखिए, मैं ये इधर लगाऊंगा, मैं टॉर्च की तरफ आपको दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये बंद हो गई दोस्तों। तो दोस्तों, इसी वीडियो में यही मैं दिखाना चाह रहा था, बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।